गुड मॉर्निंग दोस्तों। सो फाइनली मैं आ गया हूँ हम्पी का स्टोन चैरेट देखने के लिए, जिधर से आपका वो 10 रुपए का जो 50 रुपए का पीछे का जो देखते हो ना, वो वैसा वो वाला अभी वो जा रहे हैं उसके अंदर। ये रहा मेरे हाथ में टिकट जो कि 40 रुपीज। इधर से एंटर करेंगे, एंटर करके एक्सप्लोर करके फिर चले आएंगे सामने। तो अभी मैं आ गया मंदिर के अंदर और ये रहा मंदिर का व्यू। सच में इट्स बहुत ही यूनिक है। और आप लोग जो देखते हो ना 50 रुपए के पीछे, ये है। और स्टोन चैरेट वगैरह इधर क्या ना, इधर म्यूजिकल पिलर्स भी है। तो सबसे पहले अगर पूरे चारों तरफ एक्सप्लोर करेंगे, पूरे चारों तरफ एक्सप्लोर करने के बाद मैं चले आऊँगा इस जगह पे। देख सकते हो नज़ारा जो कि बहुत ही सुंदर है सच में। ये है हम्पी का मेन सुंदर, ये हम्पी का सुंदर नज़ारा है सच में। में जब मैं आया ना इतना दूर इधर से, तो मेरा जो पेशेंट का जो ये एक एनर्जी है वो सक्सेस मैं फील कर रहा हूँ। ये सब आपका म्यूजिकल पिलर्स आएगा। सो फाइनली फिर से उधर ही वो जगह पे चले आए जिधर से मैंने स्टार्टिंग किया था। और मैंने बोला ना आप लोगों को उस मंदिर में जाना है हम लोगों को, वो जो ऊपर दिख रहा है एकदम टॉप में, हिल टॉप में। और ये रहा पूरा नज़ारा जो कि बहुत ही सुंदर है। सो मेरे पीछे भी देख सकते हो फाइनली ये है वो स्टोन चैरेट। और इधर से उसका गेट का वो शुरू होता है। इसके बारे में उतना डिटेल्स मुझे नहीं मालूम, मगर ये जो नज़ारा है सच में बहुत ही सुंदर है। और क्या है ये जो मेरे पीछे देख सकते हो, इसका ही जो 50 रुपए का पीछे है, और इसको देखने के लिए मैं इधर आया हूँ। और ये सच में बहुत ही यूनिक है। तो इसका भी एक फोटो हो जाए मेरे साथ ना, नहीं तो मिस हो जाएगा। सो फाइनली दोस्तों अभी मैं चले जाऊँगा इधर से, एग्जिट करेंगे। और क्या है, और ये जो स्टोन चैरेट देख सकते हो आप, ये विट्ठला टेम्पल बोलते हैं उसको, जो भी हो। और सच में ये आज मैं इधर आया हूँ सिर्फ आप लोगों के वजह से। और सच में आप लोगों को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि इतना दूर से आके ये सब देख रहा हूँ। तो जो भी हो सच में बहुत ही एक्साइटेड फील हो रहा है। और अभी शंभू वेट कर रहे हैं मेरे लिए, तो मुझे जाना पड़ेगा सामने। सो अभी चलो। और मैं जाने वाला हूँ इसको छोड़ के, फिर चलो। सो अभी मैं आ गया हूँ बाहर, और इधर है वो शंभू आ रहा है, तो मैं इधर भी एक्सप्लोर कर लेते हैं ये वाले जो जगह है। सो ये सामने का है आपका जो एंट्रेंस। और मैं अभी इधर एक्सप्लोर करके ये जो जगह है, फिर इधर से चले जाएंगे वो जो आपको दिख रहा है उसके एक हिल, उधर चले जाएंगे। सो अभी मैं मेरा साइकिल लूंगा, साइकिल लेके फिर और नदी को क्रॉस करने के बाद मैं फिर उधर जाने वाले हम लोग। उसके बाद फिर मैं उधर से निकल जाऊंगा और जो शंभू है ऑफिस से कम बैक करके वो उसका रूम जाएगा। सो चलो। तो अभी मैं मेरा साइकिल इधर रखे थे, साइकिल को अभी लेने के लिए जाएंगे फिर। उसके बाद साइकिल को लेके नदी, तुंगभद्रा नदी जो है उसको क्रॉस करने वाले हैं, ठीक है। सो मैं राइड कर रहा हूँ हम्पी का स्टोन चैरेट मंदिर, स्टोन चैरेट के सामने मैं उधर राइड कर रहा हूँ। सच में मेरे लिए एक सौभाग्य का बात है एक, क्योंकि मैं इधर राइड कर रहा हूँ। ये सच में हर किसी को नहीं होता ये लक। तो अभी हम आए हैं देख सकते हो जो कि पुष्करणी, और इधर अभी एक्सप्लोर करेंगे इधर से। और मेरा साइकिल को मैंने इधर रखा है। सो चलो एक्सप्लोर करते हैं पुष्करणी, जो कि बहुत ही सुंदर है। अभी अंदर भी नहीं गए फिर भी आपको सुंदर बोल रहे। इधर चारों तरफ पानी रहता है, मगर अभी शायद पानी खत्म हो गया।
इसके नीचे जाते एक बार, चलो अभी इसके एक बार नीचे जाता, अभी पानी नहीं है ना। तो मैं अभी आ गया पुष्करणी के एकदम नीचे। सच में ये देख सकते हो, ये क्या था ना, चारों तरफ इधर पानी रहेगा, ठीक है, चारों तरफ पानी एकदम पूरा फुल हो जाएगा, उसके अंदर ये वाला रहेगा। इसके जो इसके कारण क्या है इसको पता नहीं, अगर ऐसा होता है राजस्थान वगैरह में रहता है, बहुत सारे जगह में ऐसा है। तो ये पूरा जगह बहुत ऊंचा भी है। तो चलो पुष्करणी तो हो गया, सो अभी हम लोग रिवर क्रॉस करेंगे, रिवर क्रॉस करके फिर से जाएंगे सामने, और उधर से मैं गोवा के लिए निकल जाऊंगा। तो अभी चलो, अभी हम्पी मेरा घूमना हो गया और घूम नहीं सकते, और तीन मंदिर मैंने लोटस और विरूपक्ष और विट्ठला, ये तीन मैंने घूम लिया। तो सबसे अच्छा मुझे लगा वो विट्ठला सच में, और मैं कल रात को दर्शन कर लिया। अभी कोई विरूपक्ष मैं वही बोल रहा हूँ, विरूपक्ष का दर्शन मैंने कल कर लिया रात को आके, और उसके बगल में ही मैंने सोया। तो अभी नदी क्रॉस करके फिर घूम के फिर चले जाएंगे। सो अभी क्या है, अभी हम जाएंगे और ये जो रिवर है उसको क्रॉस करना पड़ेगा, इसलिए बोट वगैरह आ रहे हैं, और मेरा साइकिल को अभी उधर चढ़ना पड़ेगा। और एक भाई साहब मिल गया, आप किधर से हो? हरियाणा के छोरे, हरियाणा के। एक वो वाला कर दो, वो वाला के लवली लवली। तो चलो हरियाणा के छोरे ना किससे डरेंगे, उन लोग भी साइकिल से आए हैं। तो चलो हम जा रहे हैं, तो अभी इसको चढ़ाएंगे, ना चरा देते हैं ना, कट रहे ना, हां ओके ओके, हाउ टू वेट भैया, हां वेट आफ्टर। सो अभी 5 मिनट टाइम लगेगा, पता नहीं क्यों 5 मिनट टाइम लगेगा। तो इसमें जाएंगे, इसमें चरा के फिर ले जाएंगे। पैसा कितना है पता नहीं, पैसा कितना है? 20 रुपए, 20 रुपए, हां भैया, ओके। 20 मीन्स 20 साइकिल का, 20 हमारा साइकिल को ले जाओ, हमें स्विमिंग करके आएंगे। 40 रुपीस चाहिए, ओके चलो सब मस्त कर रहे हैं। ये लोग बोल रहे हैं उधर लेपर्ड आया है, लेपर्ड हम लोग किधर किधर देखो पूरा यार, ये दिख गया, दिख गया मुझे भी दिख। मजाक कर रहा है, कोई लेपर्ड वेपर्ड नहीं है दोस्तों, सिर्फ मजाक और मजाक हो रहा है, सबको बेवकूफ बनाया। आपने क्यों, आप कुछ बोलना चाहते हो कि सबको बेवकूफ बनाया? नहीं बेवकूफ नहीं बनाया मैंने, मेरे को दिखा वास्तव में, आपको दिखा, आपको दिखा, हाँ है ना, हो रहा हाँ मुझे, मैं भी दिखा ना, वो हो रहा हो रहा, सच में भगवान, हमने उसकी प्रतिभूति देखी। चलो शायद हो भी सकता है, हम मजाक कर रहे हैं ना, लाइफ हो भी सकता है ना। तो अभी हम लोग शुरू करते हैं, तो अभी हम लोग इस पर आ गए, तो अभी जाएंगे ऊपर। तो चलो मैंने मेरा साइकिल को इधर रखा है, और साइकिल को इधर रखने के बाद अभी जाएंगे ऊपर, और ऊपर क्या ना, साइकिल को इधर अंदर घुसाने के लिए दिक्कत कर रहा था, तो बाद में मैंने साइकिल घुसा दिया। तो अभी जो जो घुसाने के लिए मना कर रहा था, शायद वो भी अगर कुछ कर सकता है, भगवान जाने।
और अभी जाएंगे ऊपर और अभी देखेंगे वो किधर है शंभु। तो चलो, तो अभी हम लोग इडली खा रहे हैं, देख सकते हैं। उसके बाद मैंने साइकिल को ऊपर रख दिया और अभी उसके बाद हम चले जाएंगे एकदम ऊपर में और उसके बाद एक्सप्लोर करके फिर गोवा के लिए निकलेंगे। तो ये रहा उस मंदिर का व्यू शुरू से, अभी ऊपर भी हम लोग जाएंगे, ये रहा एकदम ऊपर में। और हम लोग ने खाना पीना कर लिया, तो अभी हम लोग ऊपर जा रहे हैं और ऊपर से पूरा एक्सप्लोर करेंगे। तो इधर से ही वो स्टेप शुरू होता है 500, तो इधर से ही जाएंगे हम लोग। तो मेरे पीछे शंभु आ रहा है, तो अभी हम लोग भी जा रहे हैं ऊपर। ये देख सकते हो ऊपर से व्यू, और भी ऊपर हम लोग जाएंगे। ये देखो पूरा नजारा, सच में बहुत ही सुंदर है। और हम फाइनली अभी गए, फाइनली हम पहुंच गए। ये रहा पूरा मंदिर। ये देख सकते हो, हाँ, और रहा उधर वीरूपक्ष, इधर से नहीं दिख रहा है क्योंकि क्या है ना, पूरा पीछे का पूरा नजर आपको दिखेगा, एकदम पूरा फुल नजर है नीचे का, ये ऊपर का स्टोन चैरेट उधर भी उधर है। सब पूरा हम्पी शहर इधर से दिखता है, पूरा हम्पी इधर से लेके एकदम इधर तक पूरा। सो फाइनली मेरे पीछे, मैं जिस मंदिर में हूँ उस मंदिर का नाम भूषण बोलेगा। भूषण मंदिर का नाम क्या है? अंजनेद्री पर्वत। तो आंजनेय स्वामी टेम्पल, मतलब हनुमान जी का। ओके, इस मंदिर से पूरा हम्पी का व्यू देखता है एकदम। मेरे पीछे देखे तो पूरा हम्पी का पूरा नजर है, जो कि बहुत ही सुंदर है। एक साथ सब कुछ दिख रहा है, पूरा 80+ जो की है सब दिख रहा है। आप क्या ना, आप अकेला इतना कुछ दिख भी नहीं सकते, तो जो भी हो पूरा दिख रहा है। चलो, सो अभी हम क्या बोलते हैं आगे, और ये रहा इधर एक बार घूम के आते हैं। हाँ, नारियल, नारियल कोई दिक्कत तो नहीं करेगा ना? हाँ, के लिए तो रखा है, नहीं के लिए तो रखा है। तो अभी हम दो नारियल लेके अभी नारियल खाएंगे, और नारियल खाएंगे, नारियल करेंगे, पूरा मस्त एंजॉय करेंगे। सोचा भी नहीं था ये सब देखेगा। नहीं 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 नहीं, मैं इसके बारे में ये नहीं सोचा था, यही ना। मुझे सिर्फ वो दो स्पेसिफिक जाना था ना, वो क्या बोलते हैं, तीन हो गया था कम्प्लीट, मेरा तो कम्प्लीट हो गया। तो ये आप बोला तो इसलिए मैंने इधर आया। तो इधर देख सकते हो जो कि नजारा बहुत ही सुंदर है। तो लास्ट अभी हम चले जा रहे हैं, कभी बाय बोल के मैं चले जाऊंगा नीचे, और जाने के बाद शंभु के साथ मेरा लास्ट मुलाकात है। सो अभी मैं मंदिर से नीचे आ गया, फिर जिधर से स्टार्टिंग की थी उधर। सो अभी मैं सबको बाय बोल के जाऊंगा, और ये रहा शंभु भाई, बाकी सब भाई इधर मिल गया, अभी सब लोकल ही है। आपका नाम? किरण। आपका? शिव। आपका? राघवेंद्र। ओके, तो चलो भाई, चलो चलो अभी गोवा जाएंगे। ओके, चलो चलो। सो फाइनली मैं हम्पी शहर को छोड़ के सामने जा रहा हूँ गोवा के तरफ, मगर सच में ये मैं इधर से अभी ये जो पूरा जगह है पूरा इधर से मैं अभी इधर सब कवर कर चुका हूँ, और सच में पूरा कवर नहीं हुआ क्योंकि 80+ ऐसे प्लेस है आपको जाना चाहिए, मगर ये मुझसे नहीं होने वाला क्योंकि मेरे ट्रैवल में इतना नहीं हो सकता है। सो अभी मैं गोवा जाऊंगा, गोवा जो कि 3 से 4 दिन में पहुंच जाएंगे। और एक बात, इधर का जो मंदिर था ना, जिधर का हनुमान का जो जन्म हुआ था, उधर से पूरा हम्पी शहर दिखता है, और सच में बहुत ही अमेजिंग है। सो चलो अभी गोवा जाएंगे, और ये जो मेमोरी रहेगा ये सच में बहुत ही यूनिक है।
से थोड़ा देर रेस्ट करने के बाद फिर से मैं जा रहा हूँ सामने। और अभी बज गया है 12 और मुझे खाना पीना भी करना है। सो कल मैंने डीजल रखा था, वो डीजल चोरी हो गया मंदिर में। सो अभी क्या, अभी इधर जाएंगे, इधर ही लोकल में खाना पीना करेंगे और रात को देखेंगे क्या कर सकते हैं। क्योंकि क्या है ना, मैं जो ट्रैवल कर रहा हूँ उसमें ये जो जगह है हम्पी में, हम्पी इधर से हम्पी शुरू होता है, हम्पी से सिर्फ 5 किलोमीटर सामने हूँ मैं। और मैं इधर रेस्ट करने का कारण यही है क्योंकि बहुत गर्म था, तो इसलिए मैंने रेस्ट नहीं किया। और आज पूरा दिन से सिर्फ 5 किलोमीटर में साइकिल चलाया। सो अभी बजने वाला है 3 और मैं अभी जाऊंगा सामने। सो दोस्तों फाइनली क्या है ना, मैं इधर बहुत टाइम से रुका था, सो आज पूरे 4 से 5 घंटा मैंने पूरा ही रेस्ट कर लिया। सो अभी इधर जाएंगे, एक पेट्रोल पंप में रुकेंगे और बजने वाला है 6। तो आज क्या, आज का ब्लॉग जो है वो हम्पी में बहुत ही अच्छा दिन था। तो अभी इधर ही है, आज रात इधर रुकेंगे। सो चलो। सो दोस्तों आज का ब्लॉग मैं उतना नहीं बना पाया। सो अभी खाना पीना मैंने कर चुका हूँ और एक भाई ने मुझे खाना पीना दे दिया और जाते वक्त और ये दे दिया, और एक भाई ने, अलग भाई था। तो अभी क्या है, अभी जाएंगे सामने और रात आज पेट्रोल पंप पे रुकेंगे। सो वही देख रहे थे मैप में किधर रुक सकते। सो फाइनली आज मुझे रुकने का जगह मिल गया, आप देख सकते हैं। और इसके बारे में मैं कल आपको डिटेल्स दे दूंगा एकदम बारीकी से, तो आपको अच्छा आएगा। तो आज मैं इधर रुका हूँ, तो आज का ब्लॉग इधर खत्म करते हैं। तो चलो मिलते हैं टुमारो।